नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अलवर पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार समिति द्वारा नो मास्क नो बुक्स का पोस्टर विमोचन। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा व अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा के कर कमलों द्वारा किया गया। अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जिस तरीके से कोरोना महामारी की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है, उसकी सावधानी बरतने के लिए अलवर पुस्तक एवं स्टेशन व्यापार समिति द्वारा नो मास्क नो बुक्स पोस्टर का विमोचन किया गया। सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि कोई भी ग्राहक बिना मास्क के हमारी दुकान पर आता है तो हम उसे बुक्स नहीं देंगे। सभी व्यापारी भाइयों ने यह भी निर्णय लिया है कि हम सभी मास्क लगाकर दुकान पर कार्य करेंगे। ये एक अच्छी पहल है, अन्य व्यापारी संगठन को इस तरीके की पहल करनी चाहिए। समाज के हित में, देश के हित में एक बहुत अहम चीज़ है और जिस तरीके से जागरूकता अलवर पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार समिति द्वारा अहम भूमिका निभाई है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी की तीसरी लहर अपने पैर पसार रही है, उसी की सावधानी बरतने के लिए मन्नीकापड़ पुस्तक एवं स्टेशनर व्यापार समिति द्वारा आज नो मास्क नो बुक्स कैलेंडर का विमोचन करवाया गया है और इन सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर के यह तय किया है कि कोई भी ग्राहक जो दुकान पर आएगा वो अगर बिना मास्क लगाए आया तो उसको हम किताब नहीं देंगे और सारे दुकानदार भी अपनी दुकानों पर मास्क लगा कर ही बैठेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसे ही अन्य व्यापार संगठनों को भी इस तरीके की बात पहल करनी चाहिए और ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ये समाज के हित में, देश के हित में बहुत अहम चीज़ है और जिस तरीके से जागरूकता अलवर के मन्नीकापड़ व्यापार समिति पुस्तक और स्टेशनरी व्यापारी भाइयों ने ये फैलाई है, इससे मुझे ये आज महसूस हो रहा है, कहने में कोई हिचक नहीं है कि अलवर में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और जल्दी ही कोरोना जैसी महामारी को भगाएंगे। समिति की ओर से 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा जी का हमने यहाँ स्वागत किया है, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी है। हमारी एक मांग है कि मन्नीकापड़ पर रोड लाइट नहीं जलती क्या है, रोड लाइट टूटी पड़ी है। आज से 4-5 साल पहले जो तूफान आया उसमें लाइट टूट गई है, उसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष जी को ये कहा है कि हमारी लाइटें लगाई जाए जिससे कि अंधेरा ना हो, अंधेरे से दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है, ये हमारी मांग है। सामने गड्ढा है। आज क्या क्या है? आज माननीय अध्यक्ष जी ने नो मास्क नो एंट्री नो बुक्स का एक पोस्टर का विमोचन किया है, इस अवसर पे हमने उनको सम्मानित भी किया है। और कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में प्रवेश कर चुकी है, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज अलवर पुस्तक विक्रेता ने बहुत अच्छी पहल की है। एक बैनर बनवाया, इसमें नो मास्क नो एंट्री लिखा हुआ है। नो मास्क नो एंट्री का मतलब है आप और हम, आपका मतलब कस्टमर और हम का मतलब व्यापारी। आप और हम सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, ये बहुत अच्छी पहल है। आप और हम सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, क्योंकि परिवार सुरक्षित तभी होगा जब मास्क लगाकर रहेंगे, चाहे वो कस्टमर हो चाहे व्यापारी हो। इन्होंने जो पहल की है, मैं सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी शहर वालों से, सभी जिलावासियों से, सभी इकाइयों से मैं कहना चाहूँगा, अलवर पुस्तक विक्रेता की तरह ही सभी अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा इस तरह के बैनर बनवाएं और शहर के अंदर अपनी अपनी जो एसोसिएशन के सदस्य हैं उन पर लगवाएं, क्योंकि इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, साथ ही अपनी जो बीमारी है उससे भी बचा जाएगा। क्योंकि जो महामारी जो फैल चुकी है ओमिक्रॉन के रूप में, इससे बचने का एक यही उपाय है, अपना मास्क लगाकर रखें, समय पर सैनिटाइज करते रहें और साथ ही अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि सदस्य जो होता है परिवार का कमाने वाला व्यापारी है, अगर वो बीमार पड़ गया तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी और उससे बचने का उपाय मास्क लगाकर रहें।